छतरपुर जिले में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना किसी डर के रात में आदिवासी किसानों की कृषि भूमि खोदकर ट्रैक्टरों में जबरन मिट्टी भर रहे हैं। आदिवासी किसानों के मना करने पर ये दबंग उनसे मारपीट भी करते हैं। ये रेत माफिया इतने दबंग हैं कि नियम कानून शासन प्रशासन का इन्हें कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ममीठा थाना क्षेत्र के रेत माफिया की दबंगई इतनी सर चढ़ कर बोल रही है कि रात में आदिवासी किसानों की कृषि भूमि खोदकर ट्रैक्टरों से जबरन मिट्टी निकाली जा रही है। आदिवासी किसानों के मना करने पर इन दबंग रेत माफियाओं ने आदिवासी महिला सहित 5 आदिवासी किसानों को रात में दौड़ा दौड़ा कर तब तक पीटा जब तक इन दबंगों के द्वारा पीटे जाने में इस्तेमाल बेत टूट नहीं गया। छोटे लाल, रतिराम, रोहित, पार्वती, गंगवाहा आदिवासी किसानों की कृषि की जमीन इमलाहा हल्का में है, जिसको श्यामलाल ने बटिया पर लिया है। रात में रेत माफिया 4 ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंच गए। खेत से मिट्टी खोदकर रेत भर रहे थे इन आदिवासी समुदाय के किसानों ने खेत से मिट्टी खोदने को मना किया तो दबंग रेत माफियाओं ने आदिवासी किसानों को तब तक पीटा जब तक कि फावड़े का वेट नहीं टूट गया। आपको क्या हुआ जो आज बमीठा थाने आए हैं? काय की रिपोर्ट करने आए? मारपीट करी हमारी सुबह कीने करी राहुल लहसुन जो काय पे हो गए रेता भरत के सुबह रोको राको इन्होंने कहाँ की रेता भरत के इनके खेत के। अच्छा, किसका किसके खेत पे आप सोनजियाई करते? इनके छोटे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? बस फिर ये हमारे यहाँ मारने लगे, फिर छोटे हैं ना मारो पीटो और हमें जो बड़काने लगे भाई, इनकी बहू वहाँ भी मारो लड़का ना मारो वहाँ हो रहे थे हमारी जमीन रेता निकाल रहे थे वाली। और क्या हुआ फिर? हमने रोका है ना तो फिर इनने मालूम मारपीट कर। आपको बता दें कि क्षेत्र में दबंग रेत माफिया शासकीय जमीनों की मिट्टी को खोदकर मिट्टी को धोकर रेत बना रहे थे और बेच रहे थे। अब शासकीय जमीन इतनी खोद चुके हैं कि वो बची नहीं, तो दबंग रेत माफियाओं ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग आदिवासी किसानों की कृषि की जमीनों को रातों में मिट्टी खोदकर अवैध रेत का धंधा चालू कर दिया। क्षेत्र में कई आदिवासी किसानों की कृषि भूमि को खोदकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। बमीठा थाना पुलिस ने आदिवासियों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। ये ग्राम इबलाहा का मैटर है जो थाना बमीठा तक आता था। यहाँ पे कल खेत में मिट्टी निकालने का कुछ विवाद हुआ था, जिसमें जो श्यामलाल जोशी की तरफ से इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है, जिसमें दो आरोपी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।